स्वयं पुरोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि टीएमसी को लेकर शहजाद ने सवाल भी खड़े किए हैं। एक वो सरकार जिसका शासन बहुत सबसे लंबे समय रहा, लगभग 55 साल के करीब कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन किसी को ये आइडिया दिमाग में कभी आया नहीं कि ये संसद नहीं बननी चाहिए, इसमें इतनी दिक्कतें हैं, ये हाईटेक नहीं है, यहाँ पे सांसद दब दब के बैठते हैं और अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक आइडिया एक सरकार के द्वारा कंसीव किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, गलत सही वो एक अलग डिबेट है, तो क्या उद्घाटन करने का भी उनको अधिकार नहीं है? और इतना विवाद हर बात पे हो जा रहा है, शेंगेल को लेकर अब जो भी इंटेंशन है सरकार की उस पर भी विपक्ष उंगली उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मक भूमिका में नहीं है इस देश का विपक्ष? नहीं नहीं, नकारात्मकता कौन फैला रहा है? आप देखिए देश के अंदर में नकारात्मक कौन फैला रहा है? जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इन लोग एकदम शांति से सारे काम, कोई करप्शन कुछ नहीं है, वहां सब दूध के धुले हुए हैं। और जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें होती है वहां पे कर्नाटक चुनाव में इनके ही लोग जाते हैं, इनके हमारे देश के गृह मंत्री है वो जाकर के बयान देते हैं कि यहां अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो यहां पर दंगे होंगे। ये देश के संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हैं कि अपनी सत्ता को हथियाने के लिए बाय लूपोल? अभी शहजाद पूनावाला जी तृणमूल कांग्रेस की महामारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में तस्वीर दिखा रहे थे। देखिए गवर्नर का एक मापदंड होता है, उनका एक बैरोमीटर होता है कि वो बीजेपी के एजेंट बन के काम नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के अगर काम करेंगे तो वो खुद अपनी कुर्सी का अपमान कर रहे हैं, ये देश का संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो नए नए बने हैं, 5-7-10 साल की सरकार आई है या इतिहास में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीते हैं। एक सवाल पूछो, आपको दो लाइन कहूंगा स्वयं जी, एक सवाल पूछो, बीच में मत बोलिए। द्रौपदी मुर्मू जी का पहला संबोधन बॉयकॉट क्यों किया आपने? नहीं, आप कौन है सवाल पूछने वाले? आप कौन है? हम भी पार्टी है इस देश के, जन हम भी नागरिक है। आप बीच में आप सवाल से ऊपर है क्या? एंकर नहीं है देश की जनता, आप गवर्नर को बीजेपी का एजेंट बोलेंगे? देश की जनता ने कर्नाटक को जवाब दिया है, लहजा थोड़ा नरम। देश की जनता ने 41 चुनाव में से 21 चुनाव हमें जीता है, दो राष्ट्र के चुनाव भी जीता है। आपको त्रिपुरा में जवाब दिया, आपको गोवा में भी दिया। लहजा नरम रखो भाई, लहजा नरम का नहीं है, नरम रखो आप, अपना संयम रखो, लहजा नरम, आप अपना संयम रखो, कर्नाटक एक राज्य को अपना देश समझो। 24 में देश की जनता इस तानाशाह और अहंकार की सरकार को दिल्ली से उखाड़ के फेंकेगी, ये आप लिख करके रखो। बगल के त्रिपुरा में उखाड़ने का भैया, आप कौन सी पार्टी में जाओगे? बगल के त्रिपुरा में तो उखाड़ने का है, बीजेपी के प्रवक्ता आप बाद में कौन? अरे बगल के त्रिपुरा में क्या उखाड़ा आपने? मगर आप कोई भी अंगुली उठाने के पहले, रीना गुप्ता जी आप आ जाइए, अब मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोलेंगे? शोभना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप 10 सेकंड और ले लीजिए, रीना जी 10 सेकंड और मैं इनको दे रही हूँ, बात पूरी कीजिए स्वयं जी अपनी फटाफट। जी देखिए, आपके सवाल को इन्होंने अपना सवाल बीच में डाल दिया। इनका जो सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू को आपने देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, हमने अपना एक कैंडिडेट पहले दिया, ओपनिंग स्पीच की बात की, महिला बनने अपना सवाल मत बना दो, पेपर की है, हम उनके साथ, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप इस बात के जवाब से कभी कलर ये सब में मत जाइए, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप देश की महामहिम देश की राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या वो पिछड़ी जाति की है? क्या वो बनाने वाले हम ही हैं? आप ये आपको सोचना है, बताइए मैं क्या बोलूं? हमारे देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, भाई थोड़ा तो सोच समझ के बात करो, लोगों के साथ से देश का उपराष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, ये सभी वंचित समाजों से हमारी पार्टी से बने और आप हमें पूछ रहे हो? विषय से विषयांतर मत होइए, विषय में रहिए आप, विषय से विषयांतर मत होइए आप, जिस विषय पे बात हो रही है आप राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे? आप कालांतर के जवाब दीजिए, आप विषयांतर की बाद में बात कीजिए, क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, विषयांतर, आप बहुत बहुत सारे अंतर आपने पैदा कर दिए हैं। इतिहास में जीने वाले लोग हैं, इतिहास में जीने वाले लोग हैं, इनके पास इन्होंने कुछ नहीं किया है, देश को खड्डे में डाल दिया। और भी मेहमान है, रीना गुप्ता आइए अपनी बात। धन्यवाद, धन्यवाद शोभना जी। देखिए देखिए शोभना जी, हमारे देश की संस्कृति क्या है? हम सब उदार दिल वाले लोग हैं, हम तो अतिथि देवो भव बोलते हैं, हम किसी को भी अतिथि बना के देवता बनाते हैं। तो आप देश की राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे? एक सीधा सा छोटा सा सवाल है, किसी पार्टी ने कुछ गलत किया हो, कांग्रेस ने गलत किया हो, फलाने ने गलत किया हो, धमाके ने गलत किया हो,
वो सारी पार्टियां इस समय रूल नहीं कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप क्यों इतने छोटे दिल के बन रहे हैं? बुलाइए आप सबको। और विवाद जो शुरू किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, विपक्ष ने विवाद नहीं शुरू किया है। अगर आपको चाहते थे कि आप मोदी जी से उद्घाटन करवाएं, ठीक है जी करवाइए, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्रपति को बुला क्यों नहीं रहे? ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? क्या आदिवासी समाज की है, क्या महिला है, क्या ये कारण है? मतलब आप इतने बड़े तबके का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, आप उन्हें बुला लेते, बैठा लेते और मोदी जी उद्घाटन कर देते, मोदी जी की फोटो छप जाती सब जगह। प्रॉब्लम क्या है? इसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, दीजिए जवाब। सेंगोल को लेकर बड़ी बात हो रही है, मैं पहले एक बार उसी पे क्लियर करना। शोभना जी, आपने मुझे अपने घर के उद्घाटन में बुलाया, मैं आपके घर पर जो है भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गया, भगवान गणेश की मूर्ति मैंने आपको दी, उसके बाद में वापस आ गया। वापस आने के बाद में क्या है? हम सबकी बातें सुनने का ये तरीका नहीं है, आपकी बात इस डिबेट का तरीका ये नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे अपने घर के उद्घाटन में बुलाऊंगी आपके पास, आपने मुझे अपने घर के उद्घाटन ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी मुझे अपने घर के उद्घाटन बुलाया। शोभना जी, बुलाने के बाद मैंने आपको भगवान गणेश की एक मूर्ति दी, उसके बाद खाना खाया, वापस चलाया। कुछ दिनों बाद वो बात विवादों में आ गई, तो बात जब आपके पास पहुंची और वो तमाम चीजें कोर्ट कचहरी में पहुंचा, तो आपने जाकर कोर्ट में ये कहा, नहीं नहीं शिवम आए तो थे लेकिन उद्घाटन के मौके पर श्री गणेश की मूर्ति नहीं दी थी। अरे सेंगोल का रेलेवेंस ही ट्रांसफर ऑफ पावर है, चलने के लिए नहीं दी थी वो, कमाल की बात। जिस चीज का रेलेवेंस उस समय पर दिया गया, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ही गई, और उसको दबाने का भी एक कारण है बहुत अच्छा सा मेरे पास, और ये रियलिटी है और हिस्ट्री बताती है। जब इस देश में सोमनाथ का जीर्णोद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे और उन्होंने कहा कि मैं उसके जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में जाऊंगा, जवाहरलाल नेहरू इस बात से इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा कि सेक्युलर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति एक मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तमाम हंगामा होने के बाद जीर्णोद्धार में वो गए, उन्होंने वहां पर स्पीच करी, स्पीच करने के बाद इस देश के पहले राष्ट्रपति को निवर्तमान होने के बाद रिटेन तो किया ही नहीं गया, वो तो छोड़ दीजिए, उनको दिल्ली में घर तक नहीं दिया, पटना में उनको कांग्रेस के ऑफिस में अपने अंतिम दिन बिताने पड़े, तबियत खराब होने के बाद टीवी की वजह से जो उनकी हालत खराब होती थी वो भी उठाकर दिल्ली मंगा ली गई। ये नफरत है हिंदुओं से और सांस्कृतिक तौर पर नेहरू जी की ये दिखाऊंगा तो शायद तबका नाराज ना हो। क्यों बनना है? आइए सापरा साहब, आपको हिंदुओं से नफरत, सुनाई नहीं दे रहा, मुझे नफरत है आपको, परंपरा से नफरत है, ये तमाम आरोप आपके ऊपर लगे, जवाब दीजिए भाई। अभी हिंदू का पार्ट हमको इनसे नहीं सीखना है, हम जानते हैं कि क्या हिंदुइज्म है और किस तरह से चलता है और देश किस तरह से चलाना। सवाल ये है कि इनको अगर विपक्ष पूछता ना कि 9 साल में आपने क्या किया, तो ये 90 साल पीछे जाते हैं या 900 साल पीछे जाते हैं, ये पीछे का इतिहास बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आज महंगाई क्यों है, आज बेरोजगारी क्यों है, ये कैसे खत्म होगी, जो हमारे नवरत्न कंपनियां वो क्यों उद्योगपतियों को बेचते जा रहे हैं, ये तमाम सारी चीजों पर बात नहीं करेंगे। चीन आपको लाल आंखें दिखा रहा है, आप दिखाने के बदले चीन एनक्रोचमेंट कर रहा, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये तमाम सारे मुद्दे जो है ये आज देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दों को छोड़ करके आप उन मुद्दों की चर्चा करना चाहते हो जिन मुद्दों के तहत आप वोट, आप खेती, वोट की खेती काट सको। ये आपने कर्नाटका में करने का प्रयास किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री कर्नाटका में फेल हुए, यही आज आपके टीवी चैनल पर हो रहा है। ये जो जनता है वो ये सब नहीं सुनना चाहती, जनता सुनना चाहती है कि हमारी समस्याओं का अनावरण पार्लियामेंट से कैसे शुरू होगा। हो सकता है कि मैं बेरोजगारी पर या भुखमरी पर, गरीबी पर डिबेट करती है, अगर आपका जयराम रमेश का ट्वीट उस मुद्दे पर आया होता। आप उद्घाटन का विवाद उठा रहे हैं, आप सेंगोल का विवाद उठा रहे हैं, तो क्या करें फिर बताइए। हम तो फैक्ट बता रहे हैं, हम शोभना जी हम फैक्ट बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री झूठ तंत्र का वापर करते हैं। ये बीजेपी भारत की जुमला पार्टी है, भारत की झूठी पार्टी है। मैंने तो उदाहरण दिए, गुरु नानक देव जी का, कबीर जी का मैंने उदाहरण दिया, क्यों नहीं बीजेपी के प्रवक्ता उस पर बोलते हैं, मैंने उदाहरण दिया शहीद भगत सिंह का, उसके ऊपर उत्तर अभी तक नहीं आया, आपकी डिबेट खत्म हो रही है, तो इनको वो उत्तर नहीं देने हैं। जनता के हित के मुद्दे हैं जी। एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की जो उद्घाटन शिला है उसमें सोनिया जी का नाम है,
उस समय पर गवर्नर जो कि एक छत्तीसगढ़ में जो थी वो ट्राइबल थी, उनका नाम है अनुसुईया उके जी, जो अब दूसरे राज्य में है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसका जवाब आम आदमी पार्टी क्योंकि बड़े सम्मान की बात कर रही थी और खासकर आदिवासी महिलाओं के विषय में, क्या वो गलत था कांग्रेस के द्वारा या सही था, एक बार जरा उनसे पूछिए। नई नई दोस्ती भी बनी छोटा सा, क्योंकि शहजाद अब आप मेरे साथ जुड़े। Z News.